दिल्ली में सीएम दफ्तर पर सीबीआई का छापा अब केंद्र सरकार की गली की हड्डी बनता जा रहा है। छापे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंचाई हैं। आपके निशाने पर सीधे सीधे वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं। आपके नेता उन पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA के 1999 से 2013 तक अध्यक्ष रहने के दौरान बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। सभी नेता मिलकर जेटली का बचाव कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों में जोर आजमाइश चल रही है। यहां तक कि DDCA भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ करते हुए जेटली को क्लीन चिट दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम जेटली वर्सेज आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा कि अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी में हैं और वित्त मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आरोप लगाया है उन पर भ्रष्टाचार का और लगाया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने DDCA में घोटाले को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जेटली की सहमति से ही करोड़ों रुपये के घोटाले किए गए। 5 फर्जी कंपनियों के माध्यम से DDCA में घोटाले किए गए हैं। आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि DDCA पर अमीरों का कब्जा है और उनके चयनकर्ताओं के चयन पर मनमानी होती रही है। उन्होंने बताया कि जिन 5 कंपनियों के जरिए घोटाला किया गया है उनके डायरेक्टर और पते एक ही हैं। और इस चर्चा में हम अपने विशेष मेहमानों से भी आपका मिलाएंगे, लेकिन सुनते पहले राघव चड्ढा को ये बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी एक छोटी मोटी जांच बिठाई थी आज से कुछ साल पहले, जो SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो वित्त मंत्रालय का कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक तंत्र होता है जो सीरियस फ्रॉड जो होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। उसमें यह पाया गया कि जो कंपनी का फ्रेमवर्क होता है, जो 4 स्तंभ होते हैं कंपनी के, यानी कि कंपनीज एक्ट जो कंपनी का कानून होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का संविधान होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव देता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिससे कंपनी की बैलेंस शीट और लेखा जोखा तैयार किया जाता है, इन चारों के तमाम प्रोविजन की बहुत सारी वायलेशन सामने आई, ये SFIO भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है। और एक और चीज मैं आपके समक्ष इसी के संदर्भ में रखना चाहूंगा, जो व्यक्ति इस कंपनी का DDCA का ऑडिट करता था, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जो कानूनी तौर पर इनको इनकी खातों की जांच पड़ताल कर साल के एंड में उस पर हस्ताक्षर कर कहता था कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ खुद इस बैलेंस शीट DDCA के फाइनेंशियल को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, केसेस चल रहे हैं, प्रोसिक्यूशन चल रहा है। जब आम आदमी पार्टी की तरफ से इतना गंभीर आरोप लगेगा तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दैट इज द इश्यू। आई एम रियली सरप्राइज्ड बिकॉज अरविंद केजरीवाल जी सपोज टू बी एन इंटेलिजेंट पर्सन, स्मार्ट, व्हाई इज टेकिंग ऑल दिस ऑन हिज हेड एंड व्हाई इज ट्राइंग टू इज अपीयरिंग एज इफ इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समबडी हु इज फेसिंग चार्जेस, इज नेदर इन हिज इंटरेस्ट नॉर इन द स्टेट, and moreover he is trying to make it a center and state issue, which is not. But there are many allegations against the DDCA. Anybody can go on making allegations in this country. देखिए, जब पहले भी आरोप लगे उस पर पहले भी कांग्रेस के समय जांच हुई और जांच में उस समय भी कुछ नहीं हुआ, और जब एक बार केंद्रीय जांच एजेंसी ने SFIO ने जांच करके उस पर अपनी रिपोर्ट दे दी उसमें कुछ नहीं था, तो मनगढ़ंत आरोप आप जितने मर्जी लगाते जाओ उनमें कोई दम नहीं है। केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोगों को झूठ बोलने की आदत है और मुझे लगता है ऐसे झूठ बोलने से कोई देश को गुमराह नहीं कर सकते। पलटी मार आम आदमी पार्टी ने जो आरोप अरुण जेटली जी पर लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, वो मनगढ़ंत हैं, और अरुण जेटली जी की ईमानदारी, उनकी निष्ठा, उनका जो अब तक का जो कैरियर रहा है बहुत प्रामाणिक उन्होंने जीवन जिया। देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके ऊपर आज तक कोई उंगली तक नहीं उठा पाई भ्रष्टाचार वगैरह को लेकर।
तो घमासान मचा हुआ है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इस चर्चा में हमारे खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे साथ फूलचंद उबाले जी। उबाले जी आपका स्वागत है। राजेश शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। और इन दोनों के बीच जो तमाशा देखने का मजा ले रहे हैं वो है एमआईएम के नेता इश्तियाक जागीरदार। जागीरदार साहब आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राजेश शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिन मुद्दों को लेकर आपने विरोध किया है, केंद्र सरकार से टकराने की हिम्मत की है, आपके मन में क्या सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो दोस्त जी, बहुत ही सीधी सी बात है कि ये लोग सत्ता में हैं, सारी चीजें, सारे डिपार्टमेंट, सीबीआई तक इन्होंने अपने कब्जे में रखे हुए हैं। अब आप सोचिए कि निष्पक्ष जांच कैसे होगी। ये आरोप की बात करते हैं, मैं कहता हूँ इन्हीं के एमपी हैं कीर्ति आजाद, मेरे पास बाकायदा उसका फाइल नंबर जी -SP-1, इसके अंदर स्पेशल अर्जेंट इसके ऊपर एक्सेस और ये संज्ञान लेते हुए उन्होंने लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स को कि DDCA के अंदर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बड़ा करप्शन और घोटाला चल रहा है और उसमें बाकायदा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं पे भी लॉजिकली नहीं दिख रही हैं, उसकी तुरंत जांच की जाए और उसको बाहर निकाला जाए। अब ये तो कोई आरोप नहीं है, उनके ही मिनिस्टर हैं, उनके ही एमपी हैं, ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा कि वाकई जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि सब बेबुनियाद आरोप। खारिज करने में उनको कोई दो मिनट लगेंगे क्योंकि क्या है, सत्ता में है, केंद्र में है, पावर उनका है, सब कुछ उनका है, लेकिन कागज तो झूठ नहीं बोलते। हम ये कहते हैं कि हमने आज तक जो भी कहा, केजरीवाल जी ने कोई भी बात रखी तो बाकायदा हम उसके कागज लोगों को, मीडिया को, जनता को दिखाते रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं इतने बड़े बड़े लोगों ने, जब हम उनके नाम लिए, चाहे शीला दीक्षित हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, तो क्यों नहीं केजरीवाल को उठा के बंद कर देते, क्यों नहीं उनके ऊपर आप FIR करके केस करते, कहीं तो कुछ है। अभी हम कागज दिखा रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं कि 5 कंपनियों को जिसमें से 1,55,00,000 रुपए का एक अमाउंट ऐसा है जो 16 कंपनियों को उसी काम के लिए बांटा गया है। और 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी बाकायदा जो पैन कार्ड नंबर से लेकर के ईमेल एड्रेस से लेकर के डायरेक्टर तक वो सारे एक ही है। तो कहीं तो सर, हम कहते हैं हम कागज दिखा रहे हैं, आप जांच करिए ना, क्यों नहीं जांच कर रहे हो? आपको लगता है कि आप केंद्र सरकार से टकराने में कहीं ना कहीं टकराने का तो कोई आशुतोष जी कोई वो डर या वैसे कोई बात नहीं है आपके पास, जो सच, जो जनता के लिए हमारा वायदा है कि हम करप्शन पे सच बोलेंगे, चीजें सामने लाएंगे, आपके सामने चीजें हैं। अब आप देखिए CBI ने रातों रात रेड डाल करके राजेंद्र कुमार या हमारे केजरीवाल जी के ऑफिस में जो रेड डाली, क्या देखना चाहते थे वो बात की बात है, लेकिन उनको मिला क्या, 2,50,000 रुपए और 5-6 शराब की बोतलें। आपको लगता है कि वाकई केंद्र सरकार बौखला गई है और यही कारण कि ये बदला तो, की राजनीति शुरू हो गई है? ये तो बोलने की चीज ही नहीं है, ये दुनिया के सामने। चलिए भारतीय जनता पार्टी से जानते हैं कि वाकई फूलचंद उबाले जी, क्या आपको लगता है कि वाकई ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं से मिले जुले हुए हैं भ्रष्टाचार में, सबके सब्र में है, क्या जवाब देंगे आम आदमी पार्टी को आप? भ्रष्टाचार में मिले जुले कोई नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार बहुत प्रमाणिक तरह से काम कर रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से इनके जो मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार, इनके ऊपर जैसे ही छापा पड़ा इनके दफ्तर पर, उन इनके दफ्तर पर छापा पड़ा है उसकी आग खुद केजरीवाल अपने आप पर ओढ़ कर लेते हैं कि कहते हैं नहीं मेरे भी हाथ जल गए इसके अंदर, इस तरह का इन लोगों ने। और आपने देखा होगा कि उस दिन उन्होंने जिस तरह से कहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, बोलने का तरीका क्या था, प्रधानमंत्री को क्या, ये कैसा एक मतलब है, उनकी जगह आप होते तो शायद आप भी वही करते। नहीं, वेरी वेरी चीप राजनीति, अरविंद केजरीवाल कहते हैं। राजेश शर्मा जी ने कहा कि आरोप लगाया तो हमारे पे कोई केस है क्या, हम पे गिरफ्तार करो, हमको अंदर करो। शायद ये बात भूल गए कि नितिन गडकरी के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे तो उनके आरोप साबित करने में नाक में दम आ गया था और कोर्ट ने उनको संबंध भेज के सजा भी की थी। तो ये बात मत करो कि आप आरोप है, आरोप आप करो, आरोप जिस बात में तथ्य हो, तथ्य होने के बाद आप आरोप करिए, लेकिन ये नहीं कि जैसे कि CBI के छापे पड़ने के बाद अरुण जेटली को DDCA के ऊपर घेरा जाए। हाँ, आप आरोप है, आरोप को आप लगाइए ना, आप एंटी करप्शन जो है आपके पास, एंटी करप्शन के अंदर आप जाकर उसकी कंप्लेंट कीजिए। वो क्यों नहीं, जैसा कि हमारे एक MP ने कहा कि इन DDA की जांच जो है पहले हो चुकी है, केंद्रीय की कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट की थी और रिपोर्ट के बाद जो है सामने जो मामला साफ हो गया था। अब उसके बाद भी अगर इनको लगता है कि इसमें फिर भी घोटाले हुए, क्या हुए,
ठीक है, अगर किस तरह का क्या है कानूनी पछड़े में किस तरह से उन्होंने क्या किया है, तो इसकी एंटी करप्शन को इन लोगों ने जांच करानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ना कि केवल बयानबाजी दे के ऐसा आक्रोश में आकर प्रधानमंत्री के ऊपर कोई बात करना, यह गलत बात है। आप चीप राजनीति मत करिए, आप राजनीति में हो, दिल्ली में सरकार चल रही है आपकी, एक अच्छे सरकार की तरह बातें करिए। लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहा है फूलचंद वाले जी कि सीबीआई जो है सीबीआई आपके हिसाब से काम कर रही है। आरोप लगाना इनका काम ही है, इनका धंधा ही है, आप वाले को धंधा ही है आरोप लगाना। इनके इनके जो गुरु मानते हैं अन्ना हजारे जी, उन्होंने भी कहा था कि जब जिनके ऊपर भ्रष्टाचार ये सब के आरोप लगते हैं आप लगो मत, इनके पार्टी में तो कितने ना जाने कितने एमएलए ऐसे है कि जो कहीं कहीं तो कितने आपराधिक मामले दर्ज है और कितनों को तो गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या क्या आरोप इनके पार्टी के अंदर ही सब है, ये अपनी पार्टी का झांकते नहीं है, दूसरे का उगड़ के देखते हैं, ये गलत बात है। जब दो पार्टियों के अंदर लड़ाई होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, तो जाहिर सी बात है तीसरी पार्टी ने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। एमआईएम की तरफ से हम चाहेंगे कि पूरे मसले को लेकर जो भी आपका कहना है, जो भी आपकी सोच है, इश्ताक जी आप रखने की कोशिश कीजिए और ये बताइए कि वाकई इस तरह का जब आरोप प्रत्यारोप चलता है तो देश की जनता का क्या होना चाहिए ऐसे में। देखिए, देश की जनता काफ़ी उम्मीद लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बैठी है, निगाह लगा कर बैठी है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, महंगाई बढ़ गई, काफ़ी भ्रष्टाचार हो गया और जनता को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कुछ नई दिशा लेकर आएगी और कुछ गरीबों का काम करेगी। दूसरी बात, अरुण जेटली जी के बारे में मैंने इतना सुना हूँ काफी लोगों से, मुझे नहीं पता हो कैसे नेचर के इंसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काफी ऐसे लोग हैं जो उनसे नाराज रहते हैं। एक तो उनके अंदर घमंड बहुत है, दूसरा कार्यकर्ता को रिस्पेक्ट नहीं देते, तीसरा वो जो चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर का दावा भी वो अपने दिल में रखते हैं। घमंड आपके नेता में भी है, ओवैसी साहब में भी, याद रखिएगा। मैं एक बात बताता हूँ जो पार्टी के लोगों ने बताए, और नहीं हमारे नेता से आप कभी भी जाकर मिल लीजिए, आप अरुण जेटली साहब से और हमारे नेता में बिठा कर देख लीजिए, वो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठेंगे और ये खुले आसमान के नीचे बैठ के कुर्सी में मिलते हैं, अरुण जेटली जी बिल्कुल नहीं मिलेंगे उस छोटे। आप सब लोगों ने मिलकर तोड़ा है घमंड जनता का, ये कभी सोचा आपने? वो जनता ने, जनता का काम होना चाहिए और जनता के ही साथ रहना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बता रहा, केंद्र जो एजेंसी है जांच एजेंसी, इनका काम है कि सही नियत से इंक्वायरी करना चाहिए और जो सामने है सीआईडी, आपने बताया सही बात है, जिसकी सरकार होती है लोगों को तो ये शक होता है कि सीबीआई उनके इशारे पे चलेगी। आज सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है तो कार्रवाई होगी नहीं होगी, जनता को तो इतना विश्वास है कि नहीं होगी, हम भी समझते हैं कि नहीं होगी, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो अरुण जेटली जी हो, चाहे देश के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक छोटा इंसान हो। जब एक मामूली आदमी चोरी करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, तो देश के वित्त मंत्री है, अगर इस तरह से घोटाला होता है और जांच एजेंसी में पकड़े जाते हैं तो उनको जेल में डालने का काम ये सरकार करना चाहिए, तब जनता को विश्वास होगा कि सही सरकार और सही कार्रवाई कर रही है। हमें सिर्फ सही कार्रवाई चाहिए जो होना चाहिए, हमें किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है ना कुछ करना है, कार्रवाई होनी चाहिए। राजेश शर्मा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेसीकरण हो रहा है बीजेपी का, क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सर, इन्होंने अपने उसमें क्या कहते हैं एजेंडे में इनके शामिल हैं और दिल्ली को स्वतंत्र राज्य, सीबीआई को स्वतंत्र एक इकाई बनाने के इनके मुद्दे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये दोनों पार्टियां खो खो का खेल खेलती हैं, देश की आम नागरिकों को बेवकूफ बनाने से ज़्यादा ये कुछ नहीं कहते। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को तो आदत है झूठे आरोप लगाने का, तो इनके जो मिनिस्टर्स हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं, आज उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि तुरंत एफआईआर की जाए जेटली साहब के ऊपर, तो और कीर्ति आजा साहब ने जून में 2014 में ये उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया था, तो वो भी झूठे हैं, इसका मतलब इनके इनके बयानों के हिसाब से वो भी झूठे हैं। और अगर ये झूठ है, हम लोग कागज बता रहे हैं, हम लोग पेपर बता रहे हैं, हम लोग सबूत बता रहे हैं, उसके बाद क्योंकि हमारे पास तो पावर है नहीं, और हम दिल्ली में भी जो काम कर रहे थे, जब हम नजीब जंग साहब का नाम ले रहे थे कि उनका कहीं ना कहीं शीला दीक्षित जी के साथ एक केस के अंदर उनका नाम आ रहा था, रातों रात इन्होंने एंटी करप्शन में उस हेड ऑफ द मीणा को वहां ला करके बिठाया और हमारे सारे काम को डिस्टर्ब किया जो अभी तक जारी है। तो अब इससे क्या साबित हो रहा है? सिर्फ बोलने से तो कोई किसी पे आरोप लगा नहीं रहा है, लेकिन चीजें सामने, उसके बावजूद अगर आप काम नहीं कर रहे हो, तो ये इस देश की जनता ने जो इनको चुन के भेजा है, जो इस देश के लिए काम करने के लिए जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया, उसमें कहीं ना कहीं इस देश को मूर्ख और उल्लू बनाने वाली जो बातें हैं वो साबित हो रही हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, इस देश में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, बाहर वालों से हम लड़ लेते हैं, लेकिन नहीं। आशुतोष जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा कि अगर सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के ऊपर पिछले 2007 से जो इनका ये
फाइल बनी हुई है और उस केस में वो बता रहे हैं कि इन्वॉल्व थे, और सीबीआई ने रातों रात जिस तरीके से सचिवालय को छावनी में उन्होंने तब्दील कर दिया था, तो क्या ये काम ये इनके लिए जेटली साहब के लिए और इनके जो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं अभी इतने सारे यहाँ महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान तक वसुंधरा जी के नाम आए, कभी सीबीआई ने देखा कि कौन सी फाइल के ऊपर क्यों लोग इतनी आवाज उठा रहे हैं? लेकिन ये कहीं ना कहीं देश की जनता कभी खत्म नहीं होगा, आपका आरोप लगाने का जो और प्रत्यारोप का तो ये कभी नहीं खत्म होगा। लेकिन सवाल ये है, देखिए सवाल ये है कि वाकई बाकी जो मुद्दे हैं देश में उसको लेकर हम कब इस तरह से लड़ेंगे आपस में ताकि देश का विकास हो। एक बार चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास। बाहर वालों से तो आप लड़ सकते हैं फूलचंद वाले जी, लेकिन अपने घरों में जब हमला होता है, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, कीर्ति आजाद हो, जब अपने ही घर के सदस्य टीका टिप्पणी करते हैं घर में ही, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे? देखिए कीर्ति आजाद ने लेटर लिखा डीडीएसई को, देखो उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी में लेटर नहीं लिखा है, उन्होंने डीडीसीए को लिखा है कि अगर इसके अंदर इस तरह की अनियमितता बरती गई है, अध्यक्ष तो जेटली साहब भी थे, नहीं सुनिए तो सही, तो इस तरह अगर अनियमितता कोई इसकी है तो इसके ऊपर जांच की जाए और जांच करके दिया जाए। अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने, हमारे नेताजी ने भी कहा है कि अगर इस तरह के कोई तथ्य पाए जाते हैं तो एफआईआर होनी चाहिए। कोई भी हो, देश का कानून सभी के लिए एक ही काम करता है। अगर तथ्य है उसमें तो तथ्य है तो आप वाले को उनको एफआईआर करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे एफआईआर अभी तक? एफआईआर होनी चाहिए, उनके जो तथ्य है, जो उनके पास सबूत है, कागज है, वो पेश करनी चाहिए। लेकिन कौन करेगा? सीबीआई को दिल्ली में सरकार चला रहे हो, फूलचंद जी करेगा कौन? अभी आम आदमी के आप कोई अभी आप लोकल आदमी तो नहीं रहे, आप लोग दिल्ली में सरकार चला रहे, चीफ मिनिस्टर है आपके, चीफ मिनिस्टर अभी आज आपने लोग मेरे कल शायद लोक आयुक्त भी नियुक्त किया है, खास लोग हो गए, खास हो गए, लोक आयुक्त नियुक्त किया है। आप लोक आयुक्त में लेके जाइए मामला कि आप दूसरी बात है, आप उप राज्यपाल है नजीब जंग जी, उनके पास तकरार दीजिए। आप तीनों देखो, आपको तीनों रास्ते खुले, लेकिन आप इसमें से कोई रास्ता अपनाओगे नहीं, और केवल अगर आरोप करोगे तो आरोपों का कोई सवाल कोई जवाब नहीं होता। यही इसी प्रकार आपको जवाब मिलेगा कि ये जो आरोप है आरोपहीन है, तथ्यहीन है। आप लोगों ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसी तरह से मैं भी चाहता हूं कि आप उसी दृढ़ता के साथ आप जाकर मिले, लोकायुक्त से मिले, नजीब जंग से मिले और पुलिस स्टेशन में जाइए। उसमें पॉलिटिक्स कैसे करेंगे आप लोग? इसके अंदर अगर सीबीआई का काम करती, सीबीआई के पास तो आप कंप्लेंट करने के लिए जाओगे नहीं, जाओगे तो कहीं भी लोकल में ही आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें, ये सब रास्ते खुले हैं आपके लिए, सारे विकल्प खुले हुए हैं, इन विकल्प का आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फूलचंद जी आप क्या बात कर रहे हो? अभी दिल्ली के अंदर जो एंटी करप्शन के जो मीणा है, जो चीफ, जिनको उनके ऊपर खुद के ऊपर पर्दा घोटाले के अंदर आरोप लगे हुए हैं, उनके ऊपर केस दर्ज है और आपने उसको एंटी करप्शन चीफ बनाया। मैं क्या बोलता हूँ, आपको अपनी बात रखनी है शर्मा जी, आप पार्टी को आपकी बात आपको रखनी है। आपकी सरकार ने ये आरोप लगाए है, अरविंद केजरीवाल ने लगाए, अरविंद केजरीवाल को ये बातें जो है उनके सामने रखनी चाहिए। मेरा कहना ये है, आप केवल इस तरह के बयानबाजी टीवी पर भाषण दोगे, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करोगे, देश के प्रधानमंत्री को आप इस तरह के बयान दोगे, ये गलत है, गंभीर इसकी इसकी इससे आपकी छवि खराब हो रही है। आपका डर है ना, वो बता रहे हैं हम जो फाइलों पे काम कर रहे हैं, आपकी आपकी छवि खराब हो रही है। आप इस तरह के जो है, मैं क्या बोलता हूँ, छवि इस तरह का तमाशा ना करें, हम काम करते हुए तमाशा ना करें, पब्लिक के अंदर कुछ इस तरह के बयानबाजी मत करिए, जनता को सब मालूम है, कोई जनता है, आप फिर जनता के ऊपर क्यों जाते हो? जनता ने चुन के दिया आपको, जनता को ये सब चीजें, जनता ने आपको चुन के दिया हुआ है, आप जनता की आवाज हो, मेरी बात सुनिए, दिल्ली के अंदर जनता की आवाज आप हो, तो आप जाइए ना, आप करिए ना, हम कर रहे हैं काम, और आप जाकर के सर्वे, काम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मैं आप लोग लगाइए उन आरोपों को, आप जाइए ना, आप क्यों जो सरकारी तंत्र है उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? आप किसी पार्टी को बदनाम करने का काम? गंभीर सवाल यहाँ पर, एक गंभीर सवाल उभर के आया है इस पूरे बहस के दौरान, एक जो मंथन हो रहा है उसमें से गंभीर सवाल आया है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश में कानून नहीं है, सिस्टम नहीं है। जागीरदार साहब, क्यों हम हर चीज को मीडिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं हम सिस्टम के तहत आगे बढ़ते हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी मैं फूलचंद वाले भाई ने जो बात कहे कि भाई उन्होंने तो सीधा कहा कि आप जाके एफआईआर पहले दर्ज कीजिए, अगर जो कानून से होगा वो कार्रवाई होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से अच्छा है कि बयानबाजी करने से अच्छा है कानूनी कार्रवाई करे जाए। मैंने कहा देश के अंदर कोई भी होने दो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे वित्त मंत्री हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर वो गलत करते हैं
और कंप्लेंट होते एफआईआर दर्ज पकड़े जाते तो जेल में जाएंगे। बयानबाजी करने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से सस्ती पब्लिसिटी लेने से अच्छा है कि आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज करें और एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर वो कार्रवाई नहीं करते उनके ऊपर भी आप आंदोलन करो, फिर उसका जनता समझ सकती है। अगर ऐसा ये करते हैं तो जनता के अंदर भी एक कश्मकश होता है कि आखिर ये सिर्फ बयानबाजी कब तक चलेगी। हमें चाहिए जनता के सामने रिजल्ट, बिल्कुल, और रिजल्ट के लिए आंदोलन और सबसे पहले एफआईआर दर्ज। कानून से काम होगा तो कानून ही उसका रिजल्ट देगी और सबके सामने आएगी और वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की, वहां की टीम जाए एफआईआर दर्ज करे, वो चाहे वित्त मंत्री हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, देश के लिए कानून के लिए सबके लिए बराबर है। अगर वो गलत पाए जाते दोषी पाए जाते तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल राजेश शर्मा जी, जिस तरह से अगर हम आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, बिल्कुल सही है, आप पॉलिटिक्स में है कीजिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि बाकी जो संसाधन है हमारे देश में, कानून की बात करें हम या लोकायुक्त की बात करें या फिर सीबीआई की बात करें, उस पर से भरोसा हट गया है आपका? नहीं, हम तो पहले से कहते रहे हैं, हम कांग्रेस के जमाने में भी हमने कहा था कि सीबीआई को आप एक स्वतंत्र इकाई बना दीजिए, उसको निष्पक्ष जांच करने दीजिए, जो भी फैक्ट है अपने किसी भी तरीके का बड़े से बड़ा अपराधी है उसके ऊपर उसको अपने तरीके से काम करने दीजिए। कैसे होगा ये? कैसे होगा ही नहीं ना। आप हम उसी की तो लड़ाई उसमें आए हुए हम लोग हैं। इनको हम लोगों ने कांग्रेस के जमाने में इसको तोते का वो हमने किताब दिया हुआ है, पिंजरे में डाल के अपने हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं, अपनी मर्जी के रिजल्ट आते हैं, अपने बड़े बड़े नेताओं को उनके अंदर फाइलों के अंदर। अब वो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, किस तरीके की फाइलें कर रहे हैं, किसके ऊपर केस करने वाले, वो जांच करने के लिए आप राजेंद्र कुमार का बहाना बना करके केजरीवाल के ऑफिस में घुसते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक लोकतंत्र पद्धति से चुन करके आए हुए सीएम के ऊपर एक अघोषित इमरजेंसी का माहौल बनाने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्योंकि अगर आपको सच में भ्रष्टाचार या राजेंद्र कुमार को पकड़ना होता या उसके किसी अपराध को आपको जांच करनी होती तो बाकायदा आप उसको कॉन्फिडेंस में लेते और आप बताते कि इतने क्या आपको राजेंद्र कुमार का ही अपराध दिखा और क्या बाकी नजर नहीं आया? जेटली साहब का एक साल से 2014 से कीर्ति आजाद ने आवाज उठाई हुई है और लोगों तो ने बताया वो बात फिर क्या गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फूलचंद वाले जी बताइए कि ये जो सवाल आ रहे हैं इसको आप कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि आने वाले दिन आम जनता के। देखिए हम लोग जानते हैं कि ये छापे जो पड़े सीबीआई के, हम तो ऑलरेडी संसद के अंदर जिस तरह आपकी मुट्ठी में सीबीआई ऐसा बोल रहे हैं, जिस तरह से हंगामा करके इस देश के 168 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है और ना जाने मेरे ख्याल से कितने सारे बिल जो पेंडिंग पड़े, हमें उसकी चिंता है और हम संसद के बारे में सोच रहे। सीबीआई स्वतंत्र है, वो अपना काम कर रही है, उनके पास उनके शिकायत पहुंची थी और उस शिकायत के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है और कोई किसने, ये बात जेटली जी ने भी क्लियर कर चुके हैं, राजनाथ सिंह जी भी ने क्लियर किया है कि इसमें हमारा कोई इसमें ये नहीं है कि हमारा आप ये तोता इनका अपना नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ये तो बोलेंगे ना जिस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर हमको फाइल अगर छापे भी मारने होते तो आपके एक महीना पहले मार लिए होते, हम क्यों संसद के टाइमिंग पर आपका भी जो गदा रोड जो है हम अपने पर खींच लेते। लेकिन जो होना था वो जो करना था वो हो गया, सीबीआई ने कर दिया। लेकिन आप लोगों की आदत है जब तुम्हारे आंख पर कोई छिटा कसी और कोई कुछ कानून का पछड़ा पड़ गया तो आपको सीधा नरेंद्र मोदी जी दिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी दिखती है और यही तो पॉलिटिक्स है साहब, निशाना उसको उठा मारो। ये इस तरह का छट्टा कशी करने से बचे। मैं मेरा बोलने का है आप अभी मैच्योर हो जाओ, ठीक है? आप दोनों की जो सरकार में आने के बाद आपको देखना चाहिए आपका आचरण। जागीरदार साहब के पास आइए, शर्मा जी बता दीजिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने देखा अपने मीडिया से एक वेद प्रकाश वैदिक पत्रकार थे, उनको हमने देखा हमारे पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में, हमारे वो बहुत पुराना मुद्दा है बता रहा हूँ मैं, लेकिन आप सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं लेकिन क्या तुरंत उसके ऊपर कोई देशद्रोह का केस किया, उसको पकड़ा, उसको पूछा, उसकी जांच की गई? क्या सीबीआई का वो काम नहीं होता था कि एक देशद्रोही के पास जाकर के देश का एक नागरिक वहां बैठ करके क्या बात कर रहा है, किस तरीके की हमारी यहां की जो बातें वो साझा कर रहा है? कुछ हुआ नहीं? हुआ, क्योंकि वो केजरीवाल से जुड़ा हुआ नहीं था। अगर वो अभी क्या हो रहा है शर्मा जी, अभी क्या हो रहा है कि जिस तरह से सीबीआई ने छापा मारा सचिवालय पे, उसके बाद आप सीधे टारगेट बना लेते हैं केजरीवाल, माफ कीजिएगा, ये जेटली साहब को। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं से ये समझ में आता है आम आदमी को, जिस तरह से हमें लगता है इसकी चर्चा हम करेंगे। जागीरदार साहब, इसको किस तरह से देखते हैं आप? वाकई बदले की भावना से ये काम हो रहा है? नहीं देखिए, मैं एक बात समझता हूँ, अभी जैसे शर्मा जी ने कहा कि सीबीआई एक खिलौने के जैसा दबाव प्रेशर जिसकी सरकार उसके साथ में नाचती है,
क्योंकि कांग्रेस की सरकार में भी आदर्श घोटाले में किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, नाम आया ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम आया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अशोक चौहान की कुर्सी चली गई थी, चली गई ना, वो तो दिखाने के लिए कुर्सी चली गई, उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया, निष्कर्ष क्यों नहीं किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जनता वो चाहती है, सिर्फ हटाने से कोई मसला नहीं होता है, ऐसे तो आप वही जगह। आपने अपने नेता को किधर निकाला पार्टी से जी, जिन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस को साइड कर दो, बता देते हैं। वो हमारे नेता है, वो तो पुलिस का काम है वो करे, लेकिन यहाँ तो मिनिस्टरी मिली हुई है, यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, सरकार ने उनको चुनके दिया है, चुनके देने के विश्वास के साथ वो बैठे हुए हैं और उनका विश्वासघात हो रहा है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने कोई जनता का विश्वासघात नहीं किया, एक सियासती बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ जो जनता जो भरोसे पे बैठी है, जो सरकार चला रहे और सरकार में बैठ के सरकार के जो जनता का खून चूस के पैसा जो मेहनत जो इनको निकाला जाता है टैक्स का पैसा, वो पैसे से काम होना चाहिए। कौन चूसता है? वही पैसा जो सरकार में बैठे वही लोग तो आज चूस रहे हैं। अरबों रुपए का जो ये हो रहा है घोटाला, ये किस तरह से हो रहा है, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो सवालों का दौर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि वाकई अभी किस तरह की परिस्थिति से अपना देश गुजर रहा है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर कब थमेगा, उसका रास्ता देख रही है इस देश की जनता। इस चर्चा में शामिल होने के लिए वक्त चुकी कम है, इसलिए फूलचंद वाले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इश्ताक जागीरदार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश में जनता ने जिस तरह से सपने देखे हैं अच्छे दिन के लेकर या फिर भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर, ऐसे में बार बार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और जनता उलझ कर रह जाती है कि वाकई आने वाला दिन कैसा होगा। ये जवाब देना होगा अगले बार चुनाव का, जब भी मौसम आएगा तो हर पार्टी फिर से अलग अलग तरीके से अपने बयानबाजी का जो मार्केट में जो बैग होता है खोल देगी, लेकिन जनता बहुत ही समझदार है, जागरूक है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो पता नहीं इस देश की राजनीतिक पार्टियां कब छोड़ेंगी। आज के इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।